Kumari, Adarniya Mohan Prakash Ji, Maharashtra Pradesh Congress Committee ke अध्यक्ष, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री अशोक चौहान जी, राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, यहाँ पर हमारे राज्य विधानसभा विधान परिषद के सभापति आदरणीय माणिकराव ठाकरे जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, गुजरात के प्रभारी, आप सबके लाडले खासदार राजीव सातो जी, श्री भावे जी, डीपी सावन जी, अमर राजुलकर जी, स्टेज पे बैठे हुए सभी सम्माननीय विधायक, यहाँ की महानगर पालिका में महापौर, और जिन्होंने इस देश का नाम देश के गरीब मजलूमों की आवाज अपनी शायरी के जरिए पूरी दुनिया में एक नाम बनाया, ऐसे हमारे छोटे भाई इमरान प्रताप गढ़ी साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी, जिला कांग्रेस कमेटी के सभी सम्माननीय अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, सेवा दल के सभी पदाधिकारी, सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, नांदेड़ के रहने वाले सभी रहवासी भाई और बहनों, नौजवान साथी, आप लोगों का जोश और आप लोगों का गुस्सा दोनों देखने के बाद मुझे ये कहने में अब कोई हिचक नहीं है कि अब की बार कांग्रेस सरकार, अब की बार राजीव गांधी, राहुल गांधी सरकार, और अब की बार महाराष्ट्र में अशोक चौहान सरकार। डीपी सावंत ने जिस तरह से बताया, आप सारे लोग भुक्तभोगी हैं। पूरे देश में 2014 के पहले गुजरात से एक दाढ़ी वाला बाबा खड़ा हुआ और पूरे देश में घूमने लगा, मित्रों, भाइयों और बहनों, अच्छे दिन आने वाले हैं। कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया, हमको 60 महीना दे दो। जो कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया, हम 60 महीने में देंगे, कर देंगे। मोदी जी, आपने सही कहा था, कांग्रेस ने, कांग्रेस के नेताओं ने अपने जान की कुर्बानी देकर इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा, और आपने 60 साल नहीं, 60 महीना नहीं, बल्कि आपने 4 साल में इस देश को बर्बाद कर दिया। बर्बाद किया या नहीं किया, मैं कहना चाहता हूं कि हम मिसले चिराग, हम हैं मिसले चिराग। हमसे मतलब है कांग्रेस, हमसे मतलब है हिंदू और मुसलमान, हमसे मतलब है कांग्रेस। मिसले चिराग हम हैं, हमको किसी से क्या, जब जब जलाओगे रोशनी ही देंगे हम, जब जब जलाओगे रोशनी ही देंगे हम। ये कांग्रेस की तारीख रही है इस मुल्क में, देश की आजादी से लेकर इस देश को दुनिया के नक्शे पर पहचान दिलाने तक कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के नेताओं ने जब जब जरूरत पड़ी है तो अपना खून देकर इस देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने का काम किया। किसी शायर ने कहा था 2014 में कि वो
साहिबे किरदार नहीं हो सकता, वो साहिबे किरदार नहीं हो सकता, वो मक्कार है, वफादार नहीं हो सकता। जिसने खेली थी गुजरात में लहू की होली, वो इस देश का सरदार नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है वो इस देश का सरदार, जो अगड़ों में पिछड़ों में लड़ाई लड़ाता है, जो हिंदू और मुसलमानों में नफरत के बीच पैदा करता है, जिसकी सोच आरएसएस की विचारधारा पे चलती हो, जो इस देश में इस देश के नौजवानों को, देश के किसानों को, देश के गरीबों को, देश की महिलाओं को, देश की छोटी छोटी बेटियों को, जिनकी रक्षा नहीं कर सकता हो, जिनको न्याय नहीं दे सकता हो, जिनको इंसाफ नहीं दे सकता हो, वो इस देश का सरदार कैसे हो सकता है? ऐसे सरदार को उसकी तख्त पर से, उसकी कुर्सी पर से खींच के उतारने का काम 2019 में करना है या नहीं, बताइए? करना है तब ये देश की एकता और अखंडता बचेगी। देश में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल का भाव दिन ब दिन बढ़ रहा है, सब्जी का भाव बढ़ रहा है, अनाज का भाव बढ़ रहा है, डीजल का भाव बढ़ रहा है। हमारी माँ और बहनें जो राशन की दुकानों से केरोसिन लेती थी, वो केरोसिन में कटौती हो गई है। गरीब लोगों को जो पेट भरने के लिए अनाज सस्ते दर पर, फूड फॉर राइट का जो बिल सोनिया गांधी जी ने इस देश में देश की जनता को दिया था, उसमें कटौती कर दी गई है, लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। क्या हो रहा है इस देश में, क्या हो रहा है इस देश में? भीमा कोरेगांव जैसी घटनाएं घट रही है इस देश के, इस राज्य के अंदर। महाराष्ट्र की सरकार आग पे पट्टी बांधे हुए बैठी है। महाराष्ट्र के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा है। सरकार महाराष्ट्र में कांग्रेस की भी थी, मैंने शिविर में दोपहर को बताया, यही अशोक चौहान जी इस राज्य के मुख्यमंत्री थे 2008-09 में। सोनिया जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, राहुल गांधी जी ने उस समय फैसला किया कि देश के अलग अलग राज्यों में सूखा पड़ा है, किसान की हालत कमजोर हो गई है। फैसला किए, 70,000 करोड़ देश के रुपया किसानों के लिए दिया गया और पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं नांदेड़ के सपूत का, मराठवाड़ा के सपूत का, महाराष्ट्र के सपूत अशोक चौहान जी का, जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए केंद्र का पैसा लेके और महाराष्ट्र की तिजोरी से पैसा लिया और महाराष्ट्र के सारे किसानों का कर्जा माफ करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और फैसला किया, महाराष्ट्र के किसानों का कर्जा माफ हुआ। ऐसी सरकार, ये आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नांदेड़ आए थे, बड़ी बड़ी बात करके यहां से भी गए हैं वो। ये सरकार, ये मुख्यमंत्री, मैंने पिछले विधानसभा के अधिवेशन में बंबई में कहा, मुख्यमंत्री के सामने मैंने कहा, आप वादा करते हो, वादा निभाते नहीं हो। आप और आपके मंत्री घोषणाबाज मंत्री हैं, सिर्फ घोषणा करते हैं, सिर्फ वादा करते हैं, महाराष्ट्र की जनता से झूठ बोलते हैं। ये झूठ अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। आप सबको एकजुट होना होगा, कांग्रेस के तिरंगे झंडे के तले आप सबको एकजुट होना होगा। आज हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष पूरे देश में कांग्रेस का झंडा लेके, कांग्रेस की विचारधारा लेके पूरे देश के गरीब मजलूम नौजवानों की, किसानों की आज लड़ाई लड़ रहे हैं। फिरकापरस्त ताकतों से लड़ाई लड़ रहे हैं, सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आप सबकी, पूरे देश के लोगों की, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, महाराष्ट्र में अशोक चौहान जी के नेतृत्व में कांग्रेस का तिरंगा झंडा लेके, कांग्रेस की विचारधारा के साथ, ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां हैं, गलत विचारधारा है, लोगों को तोड़ने वाली विचारधारा लेके चलने का काम करने वाली जो पार्टियां हैं, इनको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम आने वाले दिनों में सबको करना होगा। ये नसीम खान कहने आप सबसे आया।
मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। पिछले महानगर पालिका के चुनाव में इमरान प्रतापगढ़ी और हम लोग जगह जगह पे सभाएं कर रहे थे। अशोक चौहान जी आप सबसे अपील कर रहे थे कि मेरे हाथ को मजबूत कीजिए, और हम लोगों ने वादा किया था कि कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को आप चुनकर भेजिए। आपको शुक्रिया, आपका धन्यवाद देने के लिए, आपका अभिनंदन करने के लिए हम और इमरान प्रतापगढ़ी फिर से यहां पर आएंगे नांदेड़ में। और हम लोगों ने और आप सबने उस वादे को निभाया। आपने सबसे भारी बहुमत से अशोक चौहान जी के नेतृत्व में कांग्रेस के सभी 90% उम्मीदवारों को चुनकर भेजा और महानगर पालिका में सांप्रदायिक शक्तियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम नांदेड़ में आप सबने किया था। मुबारकबाद हम देना चाहते हैं आप सबको, बधाई देना चाहते हैं आप सबको। जिस तरह से लोकसभा में अशोक चौहान जी को भारी बहुमत से चुनके भेजा, डीपी सावंत जैसे हमारे लोगों को आपने विधानसभा में चुनके भेजा, महानगर पालिका में मजबूती के साथ आपने महानगर पालिका में कांग्रेस का साथ दिया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जो भी चुनाव हो, भारी बहुमत से कांग्रेस के उम्मीदवारों को चुनकर लोकसभा में और राज्य की विधानसभा में भेजें, ताकि मोदी सरकार और महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जा सके और एक अच्छी विचारधारा जो आपको लेके चलने वाली विचारधारा है, राज्य को आगे बढ़ाने वाली विचारधारा है, उस विचारधारा की सरकार बने और आपके लाडले खासदार अशोक चौहान जी बंबई की विधानसभा में और मुंबई के मंत्रालय में फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की शपथ लेकर आप सबकी सेवा करने का काम करें। यह मैं आप सबसे कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।